आज भाजपा अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस बार भाजपा द्वारा बड़े कार्यक्रम ना करके बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा। राजधानी शिमला में भी हर बूथ पर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। स्टॉक्स प्लेस बूथ नंबर 70 और ऊपर संजोली बूथ नंबर 71 पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा मौजूद रहे। इस दौरान झंडा फहराया गया, साथ ही मिठाई बांटकर स्थापना दिवस मनाया गया और साथ ही अब की बार 400 पार का संकल्प भी लिया गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने बताया कि आज भाजपा ने अपना 44वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से हिमाचल के 8000 बूथों पर मनाया है। प्रदेश में 1790 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर भाजपा के बड़े नेता भी इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 303 सांसदों का सफर पूरा कर भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए करोड़ कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं का अद्भुत योगदान है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शांता कुमार, प्रोफेसर कुमार धूमल, जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती जैसे अनगिनत नामों ने दिन रात काम कर पार्टी को मजबूत बनाया है। 1984 के बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां 2 सीटें जीती थी, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार जाने वाली है। ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज हिमाचल। भारतीय जनता पार्टी का आज 44वां स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जो है वो स्थापना हुई थी। इस पार्टी को आज इतना बड़ा विराट रूप लाने में जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था तो वह 2 MP से शुरू किया था और आज जो है 2019 में 303 पर पहुंचे हैं और इस बार 2024 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा 370 और NDA 400 पार के नारे से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम दृढ़ निश्चय लेते हुए हम पूर्ण रूप से जो है इसको लक्ष्य को हम भेद के दिखाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उसके उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, आज जगत प्रकाश नड्डा जी, ऐसे अनगिनत नाम जो है वो मैं लेना चाहूँगा जिसके योगदान से आज इस भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनने का मौका मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर मनाने जा रही है और हर बूथ पर जो है 7,990 बूथों पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जिसमें नाहन में भाजपा के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंडी में आज जयराम ठाकुर जी, श्रीकांत शर्मा जी जो है वो सिरमौर में, और कांगड़ा में संजय टंडन जी, और इसी प्रकार जो है वो प्रबुद्ध हमारे जितने भी नेता है, धूमल जी हमीरपुर में, शांता जी कांगड़ा में, इस बूथ को बूथ स्तर पे मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को एक पर्व की तरह इसको मनाया जाएगा और इसमें दिशा निर्देश इसी प्रकार है। हमने यहाँ झंडा लहराया है, हमने मिष्ठान के रूप में जो है ये मुँह मीठा किया है और हमने जो है अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता को टोपी पहनाकर जो है उसका पार्टी की ओर से जो है उसको अपने जितने भी काम हैं उसके लिए नवाजा है और यहाँ पर जो बूथ में लाभार्थी है उनको भी संपर्क किया है, जिससे हमारा बल भी बढ़ेगा और मोदी जी की नीतियों पर इस चुनाव को आगे लड़ा जाएगा।